सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो क्यू एन ए वीडियो होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे जितने भी क्वेरीज थे आपके, चाहे आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज करे हो मेरे को, क्योंकि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग फेज में इंस्टाग्राम में रिप्लाई करना पॉसिबल हो पा रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और पर्सनली मेरे को रिप्लाई करना पॉसिबल हो नहीं पा रहा, क्योंकि मैसेज के नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसलिए मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में क्यू एन ए वीडियोज़ आएंगी, जिसके थ्रू जो आप जो भी आपके क्वेरीज होंगी, चाहे आपने किसी भी सोशल मीडियाज या फिर मेरे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट किए होंगे, उससे रिगार्डिंग जो है यहाँ पे जो सारे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि बाय चांस अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, तो डेफिनेटली जो है वहाँ पे मैसेज के साथ आप अपना क्वेरी भी कंटिन्यू जो है पोस्ट कर दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने हेलो करके छोड़ा हुआ है, ठीक है। आप जो भी आपका क्वेश्चन जिस भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो है आपने मैसेज करा है, तो वो मैसेज वहाँ पे छोड़ दिया करो, जिससे जो है क्यू एन ए वीडियोज़ में जो भी आएंगे अभी आने वाले टाइम में, और भी क्यू एन ए वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें आपके जितने भी क्वेरीज़ है वो सारे कवर हुए, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेरीज़ इतने ज़्यादा हैं कि एक वीडियो में करना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी क्वेरीज़ हैं आपके, जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे सोशल मीडिया पे, वो आपको यहाँ पे उसका आंसर प्रोवाइड करते हैं एक एक करके। सो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आता है लेजेंड जैक्स की तरफ से, और उनका क्वेश्चन ये है कि क्या न्यू रिफंड न्यू जीमेल जो होता है हमारा, उसके थ्रू जो है हम रिफंड ले लेते हैं या फिर रिफंड आ जाता है कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को बहुत सारे सोशल मीडिया पे। तो मैं बताता हूँ, देखो रिफंड आप किसी भी जीमेल आईडी से ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जीमेल आईडी बहुत ज़्यादा पुराना होना चाहिए या फिर बिल्कुल जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा ओल्ड जीमेल आईडी चाहिए, ठीक है। अगर आपका जीमेल आईडी न्यू भी है और आपने एक दो परचेज कर रखे हैं, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली आप अगर परचेज करोगे तभी जाके रिफंड लोगे। तो जैसे आप परचेज करते हो, तो उसी टाइम से जो आप आसानी से आप उस जीमेल आईडी के थ्रू जो है यहाँ पे रिफंड ले सकते हो, इसमें कोई आपको इशू नहीं होने वाली है। तो गाइस, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते, क्योंकि हमारा आया हुआ अभिषेक की तरफ से, और यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ कि भाई गूगल पे का रिफंड अभी आ रहा है या नहीं, और तीन परचेज जो इनके कंटिन्यू मतलब फेल हो गए, मतलब रिजेक्ट हो गए एक तरीके से, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ नई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का होता है कि बहुत बार हम जो कंटिन्यूसली जो है हमारे परचेज रिजेक्ट होते रहता है, वो परचेज किसी भी अमाउंट के हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत बड़े अमाउंट के परचेज रिजेक्ट हो रहे हैं या फिर बहुत छोटे अमाउंट के परचेज जो है रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार कुछ समय तक जो आपके परचेज रिजेक्ट हो जाते हैं। ये अक्सर इस रीज़न की वजह से होता है क्योंकि हम रेगुलरली जो है रिफंड में डालने लगते हैं, ठीक है। मैं ऑलवेज बोलता हूँ, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक भी है, कि कभी आपको एक साथ मल्टीपल परचेज रिफंड में नहीं डालना है। इससे जो है आपको इन फ्यूचर भी रिफंड मिलने के चांसेस बने रहेंगे, और आप जो भी रिफंड डालोगे तो है उसका भी रिफंड आपको मिलता रहेगा, ठीक है। उस पर कोई इशू नहीं होगी आपको, तो ये ध्यान रखना। बहुत बार होता है, पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है, कि कुछ कुछ जो है परचेज लगातार जो है कुछ समय तक रिफंड हो जाते हैं। उसका भी एक प्रोसेस है कि अगर आपका परचेज जो है रिजेक्ट हो गया है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस परचेज को कैसे रिफंड ले सकते हो, तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा यूज़र XBY जो भी नाम है, उनकी तरफ से, कि भाई मैंने सब कुछ ट्राई किया, उसके बाद भी जो है ये ट्रांजेक्शन ये एरर जो है मैं सो रहा है, ये एरर से उनका मतलब है जो ट्रांजेक्शन का एरर है, जो कुछ भी हम परचेज करते हैं गूगल प्ले स्टोर के थ्रू, तो हमें एक एरर सो होता है, तो वो एरर जो है इनको बार बार जो है सो रहा है। और ऑब्वियसली मेरे को भी पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे यूज़र्स होंगे जिनको ये एरर सो रहा है। तो पहले तो बता दो, इसका दो सॉल्यूशन जो है, जो कि अभी करंट टाइम में जो है मेरे को पर्सनली पता है जो वर्केबल है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया आपको। इन फ्यूचर अगर कुछ और जो है इसका सॉल्यूशन आता है, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। लेकिन मुझे ये भी पता है कि उन दोनों कोई मतलब कुछ कुछ लोग होंगे जिसका उन दोनों प्रोसेस से भी जो है सॉल्व नहीं हुआ होगा। इसमें मेन आपका जो ये एरर आता है, वो इस वजह से आता है कि इसमें आगे वही चीज़ आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा जो है रिफंड रिक्वेस्ट डाल रहे हो और परचेजिंग जो है बहुत ज़्यादा कम कर चुके हो, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई परचेज उनका रिजेक्ट होता है तो वो बार बार जो उसी परचेज को रिफंड रिक्वेस्ट में डालने लगते हैं, जिससे जो है उनकी जीमेल आईडी भी कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंड हो सकती है। तो जब वो सस्पेंड होता है, तो आपको ईमेल या फिर नोटिफिकेशन बता दिया जाता है, अदरवाइज इतनी आसानी से जीमेल आईडी या फिर गूगल प्ले स्टोर की आईडी वो सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। तो ये एरर जो है, आप इन दोनों मेथड को ट्राई करो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाय चांस उस मेथड से नहीं हुआ, तो थोड़ा वेट करो, इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ मेथड आए जिसके थ्रू जो है हम इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि इंस्टाग्राम से, और गाइस इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप मैसेज करते हो, ठीक है, तो लकीली अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ, लेकिन बाय चांस क्या होता है कि कभी कभार जो है हम रिप्लाई नहीं कर पाते, तो उस केस में क्या है, आप पूरा मैसेज जो है टाइप कर दिया करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई लिख के टाइप करो, अपने क्वेश्चंस को भी साथ में इंक्लूड कर दिया करो, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे मैसेज में सिर्फ हाई हेलो ये सब लिखा हुआ है। तो अगर आप क्वेश्चन इंक्लूड करोगे, तो मैं जो क्यू एन ए वीडियोज़ आएंगी आगे, उसमें जो है आपका क्वेश्चन ले पाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आयुष्मान ने जो है यहाँ पे अपने क्वेरीज से जो है पूछा हुआ है कुछ क्वेश्चन। तो इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इन्होंने कोई गेम से कुछ परचेज करा, और दो बार जो है इनका परचेज मतलब एक पर्टिकुलर परचेज जो है दो बार जो रिजेक्ट हो गया, आई थिंक यही है, हाँ
तो इनका कोई एक परचेज है जो दो बार जो अगेन रिजेक्ट हो गया, उस केस में आपको क्या करना है ये पूछ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। देखो, एक बार रिजेक्ट होता है तो आपको पता है क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया कि आपको कुछ समय का वेट करना और उसके बाद जो है रीज़न चेंज करके उस परचेज को अगेन रिफंड रिक्वेस्ट में डालना है। लेकिन अब बात आती है अगर दूसरे बार भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम क्या करें, तो भाई फाइनली आपको उस परचेज को छोड़ना होगा, ठीक है, उस परचेज को रिफंड रिक्वेस्ट में बिल्कुल नहीं डालना है। अब उसको छोड़ के आप आगे कुछ परचेज कर दो, या फिर आपके पास पुराने ओल्ड परचेज है तो उसको रिफंड में डालना है। लेकिन जो भी परचेज आपका दो बार रिजेक्ट हो गया उसको अगेन जो है कभी रिक्वेस्ट में नहीं डालना है, क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आप बार बार वही बात होगी कि बार बार अगर आप किसी परचेज को रिफंड रिक्वेस्ट में डालने लगोगे तो यह हो सकता है आपकी आईडी सस्पेंड हो जाए, या फिर इन फ्यूचर जो भी आपको रिफंड मिलने भी होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी रिफंड आप रिक्वेस्ट डालोगे वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर एक पर्टिकुलर परचेज के पीछे आप पड़े रहोगे तो उसके चक्कर में आप इन फ्यूचर जो भी रिफंड आपको मिलने वाले वो भी आप गंवाने वाले हो। तो गाइस अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है अंशु जायसवाल की तरफ से, और उनका क्वेश्चन ये है कि भाई एक जीमेल से हम कितने ज़्यादा, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं मेरे से और ये कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एक इनका ये कहना है कि एक जीमेल से हम कितने बार जो है रिफंड ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई भी करा इसका। देखो, सिंपली बात क्या है कि गूगल प्ले स्टोर ने ऐसा कोई पर्टिकुलर कुछ पॉलिसीज या फिर इसके लिए कुछ सेट नहीं करा कि आपको इतने ही रिफंड मिल पाएंगे, या फिर ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि आप ही सोचो, गूगल प्ले स्टोर से हम कुछ भी परचेज करते तो वो तो हमारा कभी भी जो है हमें रिफंड की ज़रूरत पड़ सकती है, हम हो सकता है कुछ गलत परचेज कर लें, तो इसके लिए गूगल प्ले स्टोर ने कोई लिमिट सेट नहीं कर रखा है। इसका मतलब ये है कि आप जितना मन उतना जो है रिफंड जो है यहाँ पे निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी परचेज को रिफंड रिक्वेस्ट में डालने लगे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने हिसाब से जो भी परचेज आपको लगे इंपॉर्टेंट है और जो हायर अमाउंट के परचेज, मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो हायर अमाउंट के परचेजेस हैं उनको रिफंड रिक्वेस्ट में डाल के उनका जो है रिफंड निकाला जाए, जिससे जो है आगे भी इन फ्यूचर मेरे को उस आईडी में कोई प्रॉब्लम ना हो रिफंड निकालने में, और जो है मेरे को हायर नंबर ऑफ रिफंड्स, मतलब हायर अमाउंट ऑफ रिफंड जो है मेरे को मिल जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एक जीमेल से मल्टीपल रिफंड्स तो निकाल सकते हो, लेकिन कुछ पॉलिसीज और कुछ बातों का ध्यान रख। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे यूज़र MQ इस तरीके के नाम से। तो इनका बेसिकली मैंने क्वेश्चन बढ़ा है और काफ़ी बड़ा है। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे कि इन्होंने 1900 का कुछ रिडीम कोड परचेज करा था, और वो जब उसको रिडीम कर रहे गूगल प्ले स्टोर में तो वो रिडीम नहीं हो रहा, और कुछ उनको एक एरर टाइप का शो हो रहा है जिसमें लिखा रहा है वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन, इस तरीके कुछ लिखा रहा है। तो देखो, इसमें आप दो चीज़ कर सकते, हालांकि इस पर वीडियोज मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, लेकिन आप ये दो चीज़ें तब तक कर सकते हो। पहला तो ये हो सकता है कि आप इसको चेकआउट कर लो कि वो रिडीम कोड रिडीम तो नहीं हो गया। मतलब होता है ना, हम कोई रिडीम कोड को यूज़ कर लेते हैं और फिर अगेन जो है उसको रिडीम करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में तो आपका रिडीम नहीं होने वाला है। दूसरा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आप डायरेक्टली जो है गूगल प्ले स्टोर से बात कर सकते हो, मतलब उनके जो चैट टीम सपोर्ट टीम होती है उसे डायरेक्टली चैट के थ्रू जो है उस एरर पर स्पेशली स्क्रीनशॉट लेके जो है वहाँ पे सेंड कर सकते हो। बाकी इसका एक और मेथड है जो कि आप फॉर्म फिलअप करने के थ्रू है, मतलब उसमें आपको पूरा डिस्क्राइब करना रहता है, उसके साथ जो है स्क्रीनशॉट भी वगैरह भी डालना रहता है। तो मैंने बोला आगे आने वाला टाइम उस पर वीडियोज आ जाएंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखो, जैसे पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता चलती है तो बहुत ही जल्द जो है इस पर वीडियोज आने वाला है। अब गए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे मुसुफ भाई ने पूछी हुए कमेंट्स करा था हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उन्होंने पूछा है कि भाई हमारा रिफंड तो अप्रूव हो गया लेकिन हमारा मनी जो है रिसीव नहीं हुआ है। तो देखो इसका, और इन्होंने ये भी मेंशन करा कि 6 दिन हो गए। तो गाइज देखो, गूगल प्ले स्टोर ने इसके लिए एक पर्टिकुलर लिस्ट भी प्रोवाइड की है, आप कहाँ से परचेज करते हो, मतलब जब आपने पेमेंट करा है उस परचेज का तो वो किस पेमेंट मेथड के थ्रू करा है, या तो UPI या फिर गूगल पे या फिर बैंक ट्रांसफर या फिर कहीं से भी कराओ, तो हर जगह का अलग अलग जो है डेट्स होता है। कि देखो, सबसे फास्ट जो आपका गूगल पे में आ जाता है विद इन 1 डे, जो आपका अगर रिफंड हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो वो रिफंड जो आपको विद इन 1 डेज आ जाता है। बैंक ट्रांसफर का कुछ 12 दिन के आसपास का होता है, 6 से 12 दिन के टाइम पीरियड में होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जब उस परचेज को किए हो, जो कि आपका जिसका आपने रिफंड रिक्वेस्ट डाल के जो अप्रूव किया है, तो उस टाइम जो परचेज करा था आपने वो किस पेमेंट मेथड के थ्रू करा है, और उस पेमेंट मेथड का कितना दिन में जो है रिफंड मिलता है, वो आपको लिस्ट चेक करना हो गूगल प्ले स्टोर पे जाके। अब इस पे भी वीडियोस मेरा जल्दी ही आने वाला है कि जो भी हमारा रिफंड अप्रूव हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आज क्वेश्चन है, इसलिए मैं सोच रहा इस पर एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँ कि जो हमारा रिफंड अप्रूव हो गया लेकिन हमारा पैसा नहीं आया। तो इसका आपको उस चार्ट को देखना होगा, उस चार्ट के हिसाब से आपको पता चल जाएगी आपका रिफंड कितने दिन में, जो आपके जहाँ से भी आपने ट्रांजेक्शन करा है वहाँ पे आपको वापस मिलने वाला। सो गाइस, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई नो अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़ते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको Q&A वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चन जो है कवर होते हुए दिख जाएगा, ठीक है। और वही बात फिर से बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे जब भी मैसेज करो तो अपने क्वेरीज को साथ में लिख के मैसेज करो, ताकि जो भी जब भी Q&A वीडियोस आए तो ऑब्वियसली जो है उन क्वेश्चंस को मैं ले सकूँ और आपको जो भी सॉल्यूशन है उसका प्रोवाइड कर सकूँ।
तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल मत ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे गिव अवेज होते रहते हैं। अभी कुछ डिले है लेकिन आने वाले टाइम में जो है कंटिन्यूसली गिव अवेज होने वाला है गूगल पे रिडीम कोड के लिए, तो मत ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Try to show me how to